अगर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करें तो उसका भी एक जायजा लेते हैं। फर्स्ट 100 डे में उन्होंने क्या किया था पीएमएलएन ने, लेट्स हैव अ लुक। पहले 100 दिनों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कौमी सलामती काउंसिल तश्कील दी, तहरीक-ए-तहरीर के खात्मे के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला किया गया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों को 500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा अदा कर दिया जिससे लोड शेडिंग में कमी आई, मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, ज़ियारत में कायदे आज़म की रिहाइश का जला दी गई, नांगा पर्वत बेस कैंप पर 10 गैर मुल्की खोए पोएमा कत्ल कर दिए गए, यानी उस सब भी एक दहशतगर्दी का बड़ा शदीद वाकया हुआ था, क्वेटा में विमेन यूनिवर्सिटी की बस पर हमला हुआ, मदरास डाउन हो गया, कर्ज के लिए आईएमएफ की कड़ी शरायत तस्लीम करते हुए जीएसटी में इजाफा कर दिया गया था अगर आपको याद हो, पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए इजाफा किया गया पहले 100 दिनों में, सीएनजी की कीमत 73 रुपए से बढ़कर 84 रुपए की हो गई, डॉलर की कीमत उस वक्त 98 रुपए थी उससे बढ़कर 105 रुपए हो गई, बिजली की कीमत 5.75 रुपए फी यूनिट से बढ़ाकर 12 रुपए फी यूनिट कर दी गई थी, मोबाइल रिचार्ज पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। इदारों में इस्लाहात के हवाले से पहले 100 दिनों में हमने कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं देखी और ये कंटिन्यूड रही बल्कि डिक्लाइन ही होता हुआ हमने देखा।